अश्विनी पुस्तक पाशहस्ताम् बालाम्बिकाम् श्रीललिताम् कुमारीम् कुमारकामेश्वर केलिलोलाम् नमामि गौरीम् नववर्षवेषाम् गं गणपतये नमः गं गुरुभ्यो नमः। काशी जिसको कह रहे कहते हैं लोग, ये जयपुर में आने का सौभाग्य आज मुझे मिला है। तो जयपुर गुलाबी शहर है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी ज्ञान गंतव्य वयोधर दोनों प्रकार के लोग, दोनों प्रकार के विद्वान यहाँ हैं। तो सभा के बारे में जो कहा है महाभारत में, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, तो ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध दोनों जो विद्वज्जन है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे पास दो सरस्वती बेटी है और यहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा जैसे दो वरिष्ठ विद्वान है, तो उनको भी प्रणाम करता हूँ, आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। सभा के बारे में गुजराती में एक गजल की पंक्ति है, वो शायद मुझे याद आ रही है। बे जना दिल थी मरे तो एज मजलिस से मरीज, अगर दो आदमी मिल जाते हैं और हृदय से मिलते हैं तो वही मजलिस है। बे जना दिल थी मरे तो एज मजलिस से मरीज, दिल बिना लाखों मरे इन्हें सभा कहता नहीं। अगर दिल के बिना कोई मिले तो वो कोई सभा नहीं होती है। तो ये सभा तो ऐसी है कि जहाँ सहृदय लोग बैठे है, काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम, ऐसा संस्कृत में कहा गया है। तो काव्य और शास्त्र दोनों में रुचि रखना एक बड़ी बात है और दोनों को समझना। तो सबसे पहले तो मैं ये सभी विद्वानों का, सुषमा जी, धनपा जी, ये भूमि है वो पट मथुराना शास्त्री जी की भूमि है, कलानाथ जी अभी आदित्य की तरह उनका प्रकाश जो तरफ व्याप्त है, मोहनलाल शर्मा जी, ताराशंकर जी, ये सभी को भी मैं बहुत बार बार याद करता रहता हूँ। दयानंद भार्गव साहब जिनकी वैदिक विचारधारा वो सारे भारत को अप्लावित कर रही है, और यहाँ नवोदित जो साहित्यकार है प्रवीण पंड्या जी, कौशल तिवारी, ये सभी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे भारत में संस्कृत का जो गौरव है वो बढ़ता जा रहा है। तो मेरे लिए धन्य क्षण है आज आप सभी के सामने उपस्थित होने की। जब मैंने कविता लिखने की शुरुआत की तब कुछ मैं जो लिख रहा था वो विद्वानों की और विद्वानों का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा था उस समय, करीब मैं 30 वर्ष के पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जो विधायक थी वो सभी नई थी, कुछ विचार भी नए थे, कुछ क्रांतिकारी मैं लिख रहा था। तो उस समय वो मनोमंथन भी था, कोई लोग मेरा बहिष्कार कर रहे थे, ऐसे में कलानाथ छात्री जी, राधावल त्रिपाठी जी और राजेंद्र मिश्र जी, ये सभी की छत्र छाया मुझे मिली। तो इन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, वरना मैं परसदेव माधव तो कहीं खो जाता इस बीच में, क्योंकि एक लंबी मेरी एक जो संघर्ष गाथा है। सत्रह संग्रह प्रकाशित होने के बाद साहित्य अकेदमी ने मुझे पुरस्कृत किया है, तो अब देखिए 17 संग्रह तक मैंने तप किया है और ये तप का परिणाम है कि आज मैं कुछ नया आपके सामने ला रहा हूं। आप सभी की प्रेरणा इसमें शामिल है, मगर मुझे अभी भी याद है बहन जी कि स्वर्ण मंगला वो ऐसी पत्रिका थी, वो मेरी कविता उस समय छापती थी और संस्कृत कवि को तो पुरस्कार क्या मिले, वो 40 रुपया पुरस्कार उस समय मिलता था तो हमको लगता था कि हम राजा बन गए। तो ये सभी बात है। तो संस्कृत जो काव्य शास्त्र है वो प्राचीन काव्य शास्त्र एक और है, और उसमें सारी ढेर सारी रचनाएं अभी भी लिखी जा रही है, पहले भी लिखी जा रही है। तो इन सभी के एक पाठगंड है, मगर 20वीं सदी या तो 19वीं सदी के अंत से शुरू होकर आज तक
संस्कृत में जो जो कृतियां लिखी गई वो प्राचीन मानदंडों से उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता था। जैसे उपन्यास है तो उपन्यास की क्या व्याख्या है, शॉर्ट स्टोरी लघु कथा का वो कैसे कहेंगे, वो उनके लक्षण क्या हो सकते हैं, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में तो वो सभी मिलना असंभव था। तो हम लोग अगर ऐसा कहें तो ये कादंबरी की तरह ये उपन्यास का मूल्यांकन हो तो वो संभव नहीं था। तो दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, इस कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। जब कमल के फूल मुरझाने लगे ऐसी परिस्थिति आए तो पानी बदल देना चाहिए, और ये पानी बदलने की कोशिश यही नया काव्य शास्त्र है। जैसे बहुत छोटी कविता है तो आप देखें तो उनका रस या अलंकार या गुण इनसे मूल्यांकन नहीं होता। मुझे दो तीन छोटी छोटी कविता याद आ रही है, अन्नम न प्राप्तम एकादश्युपवास शून्य दशम्यम, आज अनाज नहीं मिला है इसीलिए कुत्ते को आज दशमी के दिन, इसी तो दशमी की है मगर आज उनको एकादशी करनी पड़ी है। तो इसमें आप देखें तो रस या अलंकार कुछ नहीं है, व्यंजना है। तो शायद ध्वनि बात केवल एक ऐसा बात है कि जो विश्व कविता का मूल्यांकन कर सकता है, मगर तो भी विश्व कविता जिस तरह आगे बढ़ती है और भारतीय कविता जिस तरह आगे बढ़ती है तो वो सभी प्राचीन मानदंड सभी जगह काम नहीं आते, ऐसे हम महसूस कर रहे थे उस समय। राधावल्लभ जी ने कुछ ऐसे लेख लिखे थे। बीसवीं शताब्दी में विश्व कविता के नए परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों के साथ विश्व कविता का स्वरूप उनकी विधाएं अभिव्यक्ति बदलते गए। काव्य और काव्य शास्त्र को विश्व के अन्य शास्त्रों समाज एवं वादों विचार सरणियों ने प्रभावित किया। मुझे अन्य भाषाओं की कविता पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता था कि उनका मूल्यांकन हमारे काव्य शास्त्र के सिद्धांतों से नहीं हो सकता। दूसरी ओर मेरी काव्य रचनाएं पनप रही थी, उनको परंपरागत संस्कृत के विद्वान समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि मेरा इरादा पुराने विचारों के सामने कोई आक्रोश करना नहीं था, मगर मुझे तभी पता चला कि मेरे आलोचक मेरी कविता को आधुनिक कविता को समझ नहीं पा रहे थे। वे बेचारे बिंब मिथक आदि नहीं जानते थे। मम्मट की छह लक्षणा के उदाहरणों के अलावा भी लक्षणा के कोई उदाहरण होते हैं ऐसा भी वो नहीं जानते थे। तो जब कविता अभिधा से आगे बढ़ जाए तभी कविता बनती है। अष्टक शतक या चाटुकारिता से गिरी हुई कविता जब अनुदित हो जाए दूसरी भाषा में, जब उनको रखे तब वो सचमुच कविता है या नहीं, या तो शब्द प्रपंच है या बात समझ में आए। पाश्चात्य मानदंडों से संस्कृत कविता का मूल्यांकन भी नहीं हो सकता है, भारतीय कविता की अपनी मुद्रा है। तो पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों काव्य सृष्टि को अपने में समेट लिए ऐसे काव्य शास्त्र की खोज जरूरी थी, ऐसा मुझे लगता था। आपको जानकर खुशी हुई थी कि पिछले 10 वर्षों में शायद 3 नए काव्य शास्त्र संस्कृत में आए। राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने अभिनव काव्य अलंकार सूत्र लिखा, राजेंद्र मिश्र जी का अभिराज यशोभूषण आया और उनके बाद मेरा काव्य शास्त्र प्रकाशित हुआ। वो 2012 में वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में उनका विमोचन हुआ बागेश्वरी कंठ सूत्र। तो ये काव्य शास्त्र परस्पर विरोधी नहीं है, इसलिए कि जो राधावल्लभ जी ने जो चर्चा की है वो राजेंद्र मिश्र जी ने कुछ अलग चर्चा की है और उन दोनों से हटकर मैंने कुछ नई चर्चाएं रखी है। तो इन तीनों को अगर आप समन्वय से देखेंगे तो इसमें सारे विश्व की कविता का मूल्यांकन करने के नए मानदंड आपके सामने आएंगे। तो मेरा जो काव्य शास्त्र है उनका मूल सिद्धांत वो मुझे शास्त्र दर्शन से, योग दर्शन से और सांख्य दर्शन से प्राप्त हुआ। कभी कभी क्या होता है कि आदमी जब गोश से गिर जाए तब उनमें कोई नया विचार आता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे तारीख याद है 30/7/2010 का दिन था और मुझे अगस्त में एक आधुनिक कवि पर बोलना कोई आवश्यक था, संस्थान ने कार्यक्रम रखा था।
मुझे लगता था कि उनका मूल्यांकन मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी जो कविता है वो तो गजल है, संस्कृत में गजल लिखी जा रही है और गजल का मूल्यांकन करना है तो वो कैसे मूल्यांकन करे। तो उसी समय में सुबह में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था, जो राजेश्वरी का एक जो स्वरूप है वही ललिता महाभट्टाचार्य का है जो मेरी आराध्य है। तो मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी नानानाम चिन्मया पिता शून्यानाम शून्य साक्षिणी, ऐसा जो भगवती का स्वरूप है वो स्वरूप की मैं पूजा करता हूँ। ललिता सहस्त्राम नाम में एक नाम आया मैत्रादि वासना लभ्या, और अचानक वो नाम पढ़ते पढ़ते मैं वहां पटक गया। भगवती ने मेरे पर एक चमत्कार किया कि एक शब्द को पकड़ ले सारा जो है वो विश्व खुल जाएगा, और वहीं से मेरी काव्य शास्त्र की यात्रा शुरू हुई। भगवती का ये नाम है बड़ा प्रिय नाम है मैत्रादि वासना लभ्या। फिर मैंने उन पर जो भास्कर राय की जो उन पर टीका है सोफा के भास्कर, वो मैंने पढ़ा तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि ये तो पतंजलि के महाभाष्य पतंजलि के योग सूत्र में ऐसा कहा गया है कि योगी के मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा ये चार बल है, जो सुख दुख पुण्य और अपुण्य को सूचित करते हैं। योगी है वो विश्व के अच्छे लोगों के साथ अच्छे गुणों के साथ मैत्री रखता है, अच्छी जो लक्षण है उनको देखकर वो मुदिता का अनुभव करता है, जो उनको अरुचि लगती है वो उनकी उपेक्षा या करुणा से देखता है। तो योगी के अगर बल है तो कवि के बल तो ये सबसे पहले है, क्योंकि कवि तो सरस्वती का स्वयं पुत्र है सारस्वती, इसीलिए अगर भगवती है वो मैत्रादि वासना लग गया है और कवि को अगर सरस्वती मिल गई है तो ये जो वासना है मूलभूत वासना है मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, ये वासना तो कवि को जन्म सिद्ध हो गई क्योंकि उनके संस्कार है प्रतिभा से। तो वहां से मैंने काव्य शास्त्र का आरंभ किया। तो फिर मेरे एक एक बार एक मेरे पटल खुलते गए, मुझे लगा कि सारा जो कवि का विश्व है वो दो भागों में बंटा है, एक है रुचि दूसरा है अरुचि, लाइफ एंड डिसलाइफ। कवि को कुछ एक सृष्टि है जो पसंद है या दूसरी सृष्टि है वो नापसंद है, जो सुंदरता है सत्य है पवित्रता है उनको कवि स्वीकार करता है, उनकी और उनकी श्रद्धा है, और विश्व में जो पूर्व वास्तविकताएं है जो समस्याएं है भ्रष्टाचार है आदि पाप है तो उनको वो घृणा की दृष्टि से देखता है। तो इसलिए ये कवि की जो सृष्टि है वो दो भागों में से फिर चार भाग में बढ़ गई, जो रुचि है उनमें से मुदिता और मैत्री का आरंभ हुआ, और जो अरुचि है वो या तो शायद करुणा है या तो उपेक्षा की दृष्टि से वो कविता खुलती है उनमें। तो मूलभूत रुचि और अरुचि, तो कवि को ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं लगता, मगर वो पाप को देखकर उनको जो घृणा होती है उनको सुधारने की जो है तो उनमें करुणा भी आती है और उपेक्षा भी आती है। तो आप देखिए तो जो संस्कृत के जो महाकवि है वो सभी ये चार वासनाओं के बड़े प्रतीक है। कालिदास है वो मुदिता के कवि है, भास है वो मैत्री प्रधान कवि है। कालिदास की जो मुदिता है वो ऐसी मुदिता है कि जो सारे विश्व को सुंदर बना देता है, इसीलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार लिखा है कि विश्व का जहर पीकर कालिदास ने अमृत दिया है। तो मुदिता प्रधान कवि ही ऐसा कर सकता है, भास है वो मैत्री प्रधान कवि है इसलिए उनको कहीं अमित्रता नहीं दिखाई देती है। जो खल पात्र है दुर्योधन या कर्ण उनमें भी उनको मैत्री के गुण नजर आते हैं, उनको भी वो अच्छा बना सकते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि है वो मैत्री प्रधान है। मां तो भगवती है वो कारुणिक कवि है करुणा प्रधान कवि है, इसीलिए उन्होंने तो कह दिया कि एक रसः करुण एव। तो आप ध्यान दें कि केवल करुणा तो नहीं है संसार में, मगर कवि की दृष्टि यह है कि वो करुणा सफर अपने दृष्टिकोण से विश्व को देखता है। और मुझे लगा कि शूद्रक है वो उपेक्षा प्रधान कवि है, उन्होंने समाज में जिस पात्र उपेक्षित है उनको नायक बनाया नायिका बनाई,
उनके अलंकारों में अगर आप देखेंगे तो वो उपेक्षा है, जिनको आप देखिए वो ऐसा उपमान नहीं होना चाहिए वो उपमान बनाकर वो उपमा बनाते हैं, अलंकार की रचना करते हैं, उनकी शैली ही अलग है। जो नहीं होना चाहिए वो होता है, उपेक्षा कैसी हो सकती है कि वो पात्रों में गड़बड़ कर देते हैं, रामायण महाभारत दोनों में रावण जैसे कुंती को पकड़ता है उस तरह वो शकार है वो बसंत सेना को पकड़ता है, कहां रावण को कहां कुंती आप देखिए। तो ये सभी उपेक्षा वो उनके मूल में है, मगर उनका जो प्रेम की जो दृष्टिकोण है वो मुदिता है। तो केवल करुणा प्रधान या केवल उपेक्षा प्रधान कभी भी मुदिता है या मैत्री से अलग हो ऐसा मैं नहीं मानता। ये चारों वासनाएं वो मिलकर कोई नया विश्व बनाती है। अब तीसरा प्रश्न आया कि शास्त्र तंत्र का एक सिद्धांत आया, योग दर्शन का दूसरा सिद्धांत आया, और मुझे लगा कि सब कोई लोग महाकवि क्यों नहीं बनते, कवि के स्तर क्यों अलग अलग होते हैं, किसी कवि है वो केवल अभिनेता के स्तर पर रहते हैं, कोई वो अभिनेता से उठकर लक्षणा तक पहुंचते हैं, कोई एक जो कवि है लाख में जो व्यंजना की सरल पार कर देते हैं, और लाखों में भी एक ऐसा होता है जो ऋषित्व को प्राप्त कर लेता है, हमारे भार्गव साहब है वो तो ये सभी के मर्मज्ञ विद्वान है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि महाकवियों ने व्यंजना की तो सरहद पार कर दी, मगर वो पश्चंती तक पहुंचे कि नहीं, अगर वो पश्चंती तक पहुंच गए वाल्मीकि या व्यास तो वो ऋषि बन गए। तो ऋषि और कवि में केवल अंतर इतना है कि वो सत्य और परावाणी के बहुत नजदीक है, पश्चंती वाणी में वे बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कवि की जो वासनाएं है वो फिर तीन तीन हिस्सों में बढ़ती है, या तो वो सात्विक है या तो राजसी है या तो तामसी है। तो इस तरह मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा, ये चारों वासनाएं अगर ये तीन से अगर उनका विभाग कर दे तो सारा जो काव्य विश्व है वो उनका संसार आपके सामने आ जाएगा, उसमें शेक्सपियर भी आ जाएगा या तो मिल्टन भी आ जाएगा, जो कोई भी कवि है विश्व का वो इसमें ये भावना है उनमें स्थायी भाव है और उनसे वो काव्य सृष्टि बनती है। एक करुणा और उपेक्षा प्रधान कविता कैसी हो, एक छोटी सी कविता मैं पढ़ता हूं, बीच में आपको ऐसा न लगे कि ये केवल लेक्चर है तो लेक्चर बोरिंग हो जाए ऐसा नहीं है। आज मेरी माता की पुण्यतिथि है इसलिए वो मां मुझे याद आ रही है, तो आपके साथ ये कविता मैं पढ़ रहा हूं। मां गई होगी, मां कहती थी अन्य जीवों को मत कर पीड़ित, हिंसा से दुखी होता है परमेश्वर। मैं पूछता था कैसे दुखी होता है वो, तब वह जवाब देती थी प्राणियों की पीड़ा का अनुभव करके ईश्वर के हृदय में लगते हैं घाव। जब बचपन में मैं खेलते खेलते गिर जाता था तब मां लगाती थी मरहम, अब तो दो सीक्वेंस मैंने दो सिचुएशन रखी है, जो है पहली मां बात करती है कि परमेश्वर को दुख होता है हिंसा से, दूसरा है वो जब बच्चे को कोई घाव लगता है तो मां उन पर मरहम लगाती है, दो और अब तीसरी परिस्थिति है, अब तो सर्वत्र हिंसा संत्रासवाद का है तांडव, यह देखकर मुझे लगता है कि सृष्टि की पीड़ा से ईश्वर के हृदय में गहरे होते होते धाव। शायद ईश्वर ने अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मां को बुला लिया होगा अपने पास। तो ये जो है आशावाद रुचि और अरुचि, उसमें भरत के नाट्य शास्त्र के जो प्रमुख भाव है वो भी सभी आ जाते हैं। मुदिता है तो उसमें आनंद, सद्भाव, प्रेम, लगाव, प्रसन्नता, हर्ष, औत्सुक्य, प्रीति, विस्मय, हास, ये सभी का समन्वय हो जाता है। मैत्री में सादल्य, सौजन्य, संगति, सहयोग, रति, वात्सल्य, सख्य, प्रेम, इन सभी का उसमें समन्वय है। करुणा में दुख,
सहानुभूति, हमदर्दी, हृदयाग्रता, संवेदनशीलता, विषाद, चिंता, शोक, ये सभी आ जाते हैं। और उपेक्षा भी दैन्य, ग्लानि, श्रम, गर्व, मद, शंका, वितर्क, अमर्ष, उग्रता, असूया और क्रोध, इन सभी का समावेश होता है और इनसे ही रस की सृष्टि बनती है। तो मैंने जो बात कही आपके सामने कि ये सत्व, रजस और तमस, इन तीन जो गुण है वो किस तरह मुदिता वगैरह को प्रभावित करते हैं, उनके कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। सात्विक की मुदिता है अगर, तो वो इस तरह है, धोबी की तरह धोते हैं गुरु पंच महाभूतों को। गुरु परिषद नाम का एक काव्य है मेरा, धोबी की तरह धोते हैं गुरु पंच महाभूतों को, जुलाहे की तरह बुनते हैं वह जीव को शिव के साथ, किसान की तरह बोते हैं सिद्धि संसार में। और जब रागात्मक अनुभूति है तब इस तरह होती है कि जब अनावृत यौवन स्नान करता है स्नान गुरु में, तब स्नान गुरु पूर्णिमा का चंद्र वाला आकाश बन जाता है। जब कोई यौवन यौवना कोई स्नान कर रही है तब वो बाथरूम में वही आकाश बन जाता है, पूर्णिमा का आकाश। तो एक रागात्मक अनुभूति है। तामसी उपेक्षा के इस तरह होती है, दुर्योधन कहता है महाभारत में, मैं धर्म नहीं जान, मैं धर्म को जानता हूं मगर मैं धर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता, मैं अधर्म को जानता हूं मगर मेरी निवृत्त नहीं होती। तो ये तामसी